बनाएंगे हम शाही टुकड़ा। जी हाँ, जैसा कि नाम से ही सजेस्ट होता है, ये बहुत ही एक रॉयल डिश है। तो चलिए बनाते हैं इसे। शीतल जी, हाँ जी, कैसे बनता है शाही टुकड़ा? हमारे पास ये ब्रेड है जो एक जंबो ब्रेड थी, उसके हमने इतने मोटे मोटे स्लाइसेस काटे और फिर उसकी साइड्स काट के लेंथ वाइज 2 में काट लिया। ठीक है। इसके अलावा हमें चाहिए चाशनी, ज्यादा नहीं पकाएंगे इसे। हाँ जी। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे है पिसी हुई चीनी, सिल्वर वर्क, हमारे पास है केसर जो हमने दूध में घोल रखा है, हमारे पास है यहाँ पे छोटी इलायची यानी हरी इलायची, काजू जो क्रश कर रखा है, पिस्ता। हाँ जी। हमारे पास यहाँ पे आधा लीटर दूध। तो अब हम इसमें पिसी हुई चीनी डाल देते हैं। इसके बाद हम दूध में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। ठीक है। तो हमारे पास है यहाँ पे काजू, टूटा हुआ काजू, ये हम डाल देते हैं 2 चम्मच। और हमारे पास है पिस्ता। ठीक है। और बाकी हम थोड़ा सा बचा लेते हैं बाद में गार्निशिंग के लिए। इलायची पाउडर डालना चाहें तो पाउडर भी डाल सकते हैं। तो देखिए, अब ये जो दूध है ये करीबन 2/3 जब रह जाएगा, अच्छा, तो तब हम पता चलेगा कि भाई ये रबड़ी तैयार हो चुकी है। तो जब तक ये रबड़ी बन रही है तब तक हम देख लेते हैं कि हमारा तेल यहाँ कितना गर्म है। तो चलिए, तेल गर्म है, इसको ब्रेड को इसमें डाल देते हैं। देखिए इस तरह से थोड़ा सा इसे हम दबाएंगे। ये ब्राउन होने तक करना है फ्राई? जी, एकदम से हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। गोल्डन ब्राउन तक, बिल्कुल। आपके फैमिली वाले आपका यूज करते हो कि इतना अच्छा खाना खिलाते हो कि नहीं? They are happy or not? They are happy कि मैं खाना बनाता हूँ, but they are not happy कि मैं उनके लिए नहीं बनाता। वही बात है। जी। अब मेरे को भी ऐसा लगता है कि जब भी मैं घर जाऊँ तो माँ के हाथ का बना खाना खाऊँ, तो मैं बस इसी का भूखा रहता हूँ। नहीं तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसा कि मैं इतना नॉन वेजिटेरियन फूड बनाता हूँ, अच्छा, तो मेरी माँ को थोड़ी सी ये टेंशन रहती है कि ये पता नहीं क्या क्या बनाता होगा। हाँ जी। ये देखिए एकदम गोल्डन हो गई है ब्रेड, देखने में ही शाही लग रहा है ये। इस प्लेट पे डाल लेते हैं। तो जब तक इसका एक्सेस तेल बाहर आ रहा है, हम रबड़ी चेक कर लेते हैं। तो देखिए रबड़ी भी हमारे पास काफी रिड्यूस हो गई है। हाँ जी, गाढ़ी होने लगी है, बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी है। हाँ जी। अब अगर हम इसी को ठंडा कर देंगे तो ये काफी थिक हो जाएगी, लेकिन हम इसे अभी गरम गरम ही यूज करेंगे। ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें इसमें डालना है थोड़ा सा केसर। ठीक है। केसर को हमने दूध में घोल रखा है क्योंकि इससे इसका रंग जो है वो एकदम अच्छे तरह निखर के आता है। अगर हम सीधा केसर इसमें डाल देते तो वो इतना अच्छे तरह अच्छा रंग नहीं आता। बहुत बढ़िया, शाही बन गया। हाँ जी। केसर डालने से तो वैसे ही कोई भी चीज लगता है कि एकदम रॉयल हो गई है, कलर इसका ऐसा होता है और महंगा इतना है केसर। चलिए ये जब तक थोड़ा और रिड्यूस हो रहा है तब तक हम शाही टुकड़ा सर्व करने की तैयारी करते हैं। ठीक है। चलिए ये ब्रेड है हमारे पास, इसे हम एक शाही बर्तन पर रख देते हैं। उसको अच्छा कुछ इस तरह से। हमारे पास है यहाँ पे चाशनी, तो चाशनी को इसके ऊपर अच्छा ऐसे ही करना है। हाँ जी। और ये जब गरम गरम होगी तो चाशनी अपने आप इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी और ये चाशनी जो है ये इस ब्रेड को थोड़ा और सॉफ्ट कर देगी। सॉफ्ट कर देगी, बिल्कुल इस तरह। रबड़ी भी हमारे पास तैयार है तो इसे भी इस पे सर्व कर देते हैं। अगर आप चाहें तो इसको ठंडा करके भी इसे सर्व कर सकते हैं, यानी रबड़ी को, और चाहें तो इसे गर्म ही सर्व कर सकते हैं। देखकर ही मुंह में पानी आ जाए, ऐसा है ये डिश। जी देखिए, हमने इसे अच्छी तरह रबड़ी में इस पूरी डिश को कवर कर दिया है। तो चलिए ये हमने इस पे सर्व कर दिया है। ठीक है। अब थोड़ा सा और डेकोरेट कर लेते हैं। हाँ, इसे लखनवी बनाना है जो है। जी, इसके ऊपर चांदी का वर्क, चांदी का वर्क लगा लेते हैं। देखिए इस तरह से। ठीक। और थोड़ा सा और पिस्ता गार्निशिंग के लिए। हाँ। तो तैयार है हमारे पास एक रॉयल डेलिकेसी लखनऊ की, पेश है एक अलग अंदाज में शाही टुकड़ा।
शाही टुकड़ा बनाने के लिए आपको चाहिए ब्रेड 2 टुकड़े, दूध 1/2 लीटर, चीनी 1 बड़ा चम्मच, काजू 2 छोटे चम्मच, पिस्ता 2 छोटे चम्मच, कुटी हुई इलायची 1/2 छोटा चम्मच, तेल तलने के लिए, दूध में घुला केसर 4 बड़े चम्मच, चाशनी 1 कटोरी, चांदी का वर्क सजाने के लिए। अब शाही टुकड़ा बनाने की विधि नोट करें। रबड़ी बनाने के लिए एक पैन में दूध गर्म करें, इसमें चीनी, काजू, पिस्ता और इलायची डालें, ब्रेड के टुकड़ों को तल लें, इसके बाद उस पर चाशनी डालें, इसके बाद ब्रेड के टुकड़ों पर रबड़ी डालें, चांदी के वर्क और पिस्ते से सजाएं।